सो हाई एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 फाइनेंस स्किल्स जिसका होना बहुत ज़रूरी है अगर आप फाइनेंस एज स्पेशलाइजेशन प्लान कर रहे हैं। आई थिंक अगर आपने फाइनेंस लेने का सोचा है तो आपको एक चीज़ पता होगी कि फाइनेंस में अकेडमिक स्टूडेंट्स का बहुत मैटर करता है, स्पेशली 10th 12th ग्रेजुएशन के पर्सन। एंड स्पेशली दिस इज़ मैंने लास्ट ईयर एक पोल डाला था अपने कम्युनिटी सेक्शन में कि मोस्ट प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशन, सबसे ज़्यादा वोट जिस स्पेशलाइजेशन को मिले थे दैट इज़ फिनेंस। बट अच्छी जॉब के लिए यू नीड टू हैव दैट स्किल सेट जो कि कंपनीज देखती हैं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेड स्पेशलाइजेशन। सबसे पहली स्किल है दैट इज़ फाइनेंशियल मॉडलिंग, राइट। ये क्यों रिक्वायर्ड है, ये स्किल सेट क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये हेल्प करती है प्रिडिक्ट करने की फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज। कंपनीज डू लुक फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सपीरियंस इन CV. Financial modeling is a way to know that you should invest in a company and what will be the valuation of that company in future. Abhi bahut sare startups sunte hoge, either you talk about Zomato, either you talk about Swiggy, either you talk about all these cryptocurrencies, Boat, in sab mein बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट। एंड जब वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चेक कर रहे होते हैं, और उनके जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं वो यही सारी रिपोर्ट्स को देख के डिसीजन ले रहे होते हैं दैट वेदर वी शुड इन्वेस्ट। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ, दैट इज़ वेयर फाइनेंशियल मॉडलिंग समथिंग जो आपको बननी चाहिए। दूसरी, बिजनेस का एनालिसिस करना कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केट का एनालिसिस करना कि आपके कस्टमर्स कौन हैं, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। अगर आप फाइनेंस के हो तो मार्केट का एनालिसिस करना, प्रॉपर रिसर्च करना उस इंडस्ट्री की जिसके आप पार्ट हो, एनालाइज अदर कंपनीज ग्रोथ, राइट, उनके स्टॉक्स, अप डाउन ग्राफ्स ऑफ इंडस्ट्रीज ग्रोथ, दैट इज सेकंड थिंग। तीसरी चीज़ दैट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, ये अगर हम बात करें तो लेट्स से एक पेज के एक तरफ का और दूसरे तरफ का वर्टिकल है। इसमें भी सिंपल सी चीज़ है कि आप कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते हो कि उस कंपनी का क्या स्टेटस है, सो यू कैन ड्रॉ एन आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस कंपनी शुड टेक। तो पहले तो आप उसके पूरे फाइनेंशियल्स देखते हो, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस है, क्या सारी चीज़ें हैं, बैंक स्टेटमेंट्स देखते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो, और उसके बाद एनालिसिस बनाते हो कि वेदर द कंपनीज शुड इन्वेस्ट और नॉट। देन उसके बाद कोऑपरेटिव फाइनेंस, दैट इज़ बेसिकली वैल्यूएशन, कि कैसे वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी आप निकालते हो, किसी भी चीज़ का एसेट कैसे निकालते हो, किसी क्या वैल्यूएशन है। तो ये भी आपको स्किल सेट में रिक्वायर्ड है अगर आप फाइनेंस में अपना करियर देख रहे हो। स्पेशली यू शुड बी वेरी गुड विद द नंबर्स, राइट। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी, उस वीडियो में एक पर्सन सेड दैट कि आई वर्क विद ऑल दो स्टूडेंट्स जो IIM से पास आउट हैं, और उनके अंदर ये स्किल्स होती है कि वो किसी भी चीज़ को देख के फिगर आउट कर लेते, दे आर वेरी गुड विद एनालिसिस, दे आर वेरी गुड विद नंबर्स, राइट। तो जब हम फाइनेंस की बात करते हैं और जो टॉप प्रोफाइल की बात करते हैं, भले वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, ये सारी प्रोफाइल्स के लिए बेसिकली आप क्या करते हो, दैट बड़ी बड़ी कंपनीज के अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होते हो, उनके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए भले हम वो रिपोर्टिंग की बात करें या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ कि आप कॉर्पोरेट फाइनेंस भी सीखें जिससे आप किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज इसके बिना आपका कुछ भी नहीं होने वाला। और उसके साथ साथ छोटी मोटी और सॉफ्ट स्किल्स हैं, आप कई सारे सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, इसमें मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।